महायुद्ध को टालना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रस्ताव दीजिए जो मान्य किया जा सके। और वो प्रस्ताव आप अपने मित्र से मनवा पाएंगे अंगराज? मैं अपने मित्र से अनुरोध कर सकता हूं, आदेश नहीं दे सकता। हाथी के ऊपर बैठा श्वान जब वन के राजा पर भौंकता है तो दोष हाथी का है, जो उसने अपने सामर्थ्य का आधार उस श्वान को दिया है। वास्तव में आपका सामर्थ्य ही युवराज के अधर्म का आधार है। मेरा सुझाव है आपको कि आप युवराज के पक्ष को त्याग दीजिए, उसी से आपको पुण्य मिलेगा और आपके मित्र को जीवन दान। मुझे आपके धर्म पर विश्वास है। और मेरा विश्वास ही मेरा धर्म है वासुदेव। अपने मित्र के साथ विश्वासघात करने से उत्तम है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। मैं आपका सम्मान करता हूं अंगराज, इसलिए एक अंतिम प्रयत्न करता हूं। ना क्षमा, ना दंड, ना साम्राज्य, ना संपत्ति। पांडवों को 5 गांवों पर स्वतंत्र अधिकार दे दीजिए महाराज, केवल 5 गांव। मित्र, मुझे वासुदेव का यह सुझाव उचित प्रतीत हो रहा है। ये छल है अंगराज, छल है ये। वासुदेव कृष्ण पांडु पुत्रों को 5 गांव दिलाकर स्वतंत्र अधिकार दिलाना चाहते हैं। स्वतंत्र अधिकार प्राप्त करने के पश्चात पांडु पुत्र हमें द्वंद का आह्वान दे सकते हैं। अर्थात वासुदेव कृष्ण किसी भी परिस्थिति में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को 5 पांडवों के समक्ष रणभूमि में खड़ा करना चाहते हैं। महामहिम भीष्म और महागुरु द्रोण की सहायता के बिना।